बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इंस्टा न्यूज और मैं हूँ अहमद अली चौधरी। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। आम इंतखाबात के नताइज के बाद राबतों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात किसी भी वक्त मुतवक्के। दोनों जमातों के कायदीन मरकज और पंजाब में हुकूमत साजी पर मुशावरत करेंगे। गुज़श्ता 24 घंटों में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन से होने वाले राबतों पर भी गुफ्तगू होगी। शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन, मिलकर हुकूमत बनाने पर मुशावरत, जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की आज आजाद अरकान असेंबली से मुलाकात भी मुतवक्के। पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की आम इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर पूरी कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया है। इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं, बल्कि अवाम के मैंडेट का तायुन करने की मशक है। पाकिस्तानी अवाम के हक राय दही के इस्तेमाल के लिए आजादाना शिरकत जमहूरियत के लिए उनके अजम का सबूत है। सियासी क़यादत और उनके कारकुनों को जाती मफादात से बालातर होकर हुकूमत और आवाम की खिदमत करने की कोशिश को हम आहंग करना चाहिए। अब तमाम सियासी जमातें सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ आवाम के एतमाद का जवाब दें। इंतशार 25 करोड़ आबादी वाले तरक्की पसंद मुल्क के लिए मौजू नहीं। महफूज इंतखाबी माहौल बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारे तारीफ के मुस्तहिक हैं। आम इंतखाबात बारे बाज मुमालिक के मनफी लहजे हैरान कुन। बयानात इंतखाबी अमल की पेचीदगी और करोड़ों वोटर्स के जज्बे को मद्देनजर नहीं रखते। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने कहा, मनफी तबसरे तामीरी हैं, ना ही उनका कोई मकसद। बयानात इस नाकाबले तरदीद हकीकत को नजरअंदाज करते हैं कि पाकिस्तान ने आम इंतखाबात पर अमन और कामयाबी के साथ मुनाकिद किए। दहशतगर्दी से बचने के लिए मोबाइल फोन सर्विस को मुअत्तल रखा गया। अपने दोस्तों के तामीरी मशवरों को अहमियत देते हैं। आम इंतखाबात में 5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। टर्नआउट 48% रहा। फॉफिन की इब्तदाई मुशाहिदा रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक 16 लाख बैलेट पेपर्स मुस्तरद हुए। 25 हलकों में मुस्तरद वोटों का मार्जिन जीत के तनासुब से ज्यादा था। सियासी जमातों ने दहशतगर्दी और यकसा मौके न मिलने के बावजूद इलेक्शन में हिस्सा लिया। इलेक्शन कमीशन के इकदाम और इंतजाम काबिले सताइश करार। कहा गया, इंतखाबात से मुल्क में बेयकीनी का दौर बंद हो गया। उम्मीदवारों के तहफ़ुज़ात को जल्द हल करने की जरूरत है। अब सियासी जमातों को अपनी जिम्मेदारी पूरी करना होगी। आम इंतखाबात अच्छे माहौल में हुए। कॉमनवेल्थ वफ्द ने इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी को काबिले सताश करार दे दिया। सरवरा डॉक्टर गुडलक कहते हैं, कराची, हैदराबाद, मुल्तान और फैसलाबाद के पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। इलेक्शन कमीशन के स्टाफ के काम को सराहते हैं। लोगों की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने के लिए निकली। चंद वाकयात में बेकायदगियां नोट की गईं, मगर वोटिंग अच्छे माहौल में हुई। एक बड़ी पार्टी को निशान से महरूम करने से कुछ वोटर्स को मुश्किलात का सामना रहा। इलेक्शन के दौरान अहलकारों की शहादत पर अफसोस है। कौमी असेंबली की 255 नशिस्तों के नताइज आ गए। आजाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी। आजाद उम्मीदवारों की सेंचुरी। मुस्लिम लीग नून की 73 नशिस्तों पर कामयाबी। पीपल्स पार्टी 57 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। एमकेएम की 17 और काफ लीग की 3 नशिस्तें। इस्तेहकामे पाकिस्तान पार्टी और JUI 2-2 नशिस्तों पर कामयाब। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान, बलोच नेशनल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया की 1-1 नशिस्त। नौ मुंतखब अरकान असम्बली की कामयाबी का नोटिफिकेशन 21 या 22 फरवरी को जारी किए जाने का इम्कान। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आजाद उम्मीदवारों को किसी जमात में शमूलियत के लिए 3 दिन दिए जाएंगे। गजट नोटिफिकेशन के 4थे रोज नई पार्टी पोजीशन जारी होगी। नई पार्टी पोजीशन की बुनियाद पर खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तें अलाट होंगी। पंजाब असेंबली के 295 हलकों से नतीजे आ गए। 137 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून फाते। आजाद उम्मीदवारों ने भी 137 नशिस्तें ले ली। पीपल्स पार्टी के 10 उम्मीदवार जीत पाए। मुस्लिम लीग काफ ने 8 नशिस्तें हासिल कर ली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और इस्तेहकामे पाकिस्तान पार्टी की 1-1 नशिस्त।
सिंध असेंबली के तमाम हलकों के नताइज का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने 84 सीटें लेकर सादा अक्सरियत हासिल कर ली। एमकेएम 28 नशिस्तें हासिल करके दूसरे नंबर पर, आजाद उम्मीदवार 14 सीटें ले उड़े। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और जमात इस्लामी की 2-2 सीटें। ख्वाजा साद रफीक, जहांगीर खान तरीन, अमीर हैदर हूती और मुस्तफ़ा नवाज खोखर अपनी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम करने वाले उम्मीदवार। एनए 122 से हॉट फेवरेट ख्वाजा साद रफीक ने शिकस्त कबूल करते हुए जीतने वाले लतीफ खोसा को मुबारकबाद दी। जहांगीर खान तरीन के जीतने वाले आमिर डोगर की इंतखाबी मुहिम की तारीफ, कहा वो कामयाबी के हकदार थे। अवामी नेशनल पार्टी के अमीर हैदर हूती ने शिकस्त कबूल की और पार्टी ओहदे से मुस्ताफी हो गए। सरगोधा से मोहसिन नवाज रांझा ने मध्य मुकाबले उसामा अहमद को जीत पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज समेत मुतादिद उम्मीदवार एक से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाब। शहबाज शरीफ लाहौर और कसूर में कौमी असम्बली की नशिस्तों पर कामयाब ठहरे। पंजाब असम्बली की 2 नशिस्तों पर भी कामयाबी समेटी। मरियम नवाज एक कौमी असम्बली और एक सूबाई असम्बली की नशिस्त पर कामयाब। हमजा शहबाज ने भी एक कौमी और एक सूबाई नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फाइनल नतीजे दिए जाने के 15 रोज में जीतने वाले उम्मीदवार को अपनी नशिस्त के बारे में आगाह करना जरूरी है। खाली नशिस्तों पर 40 रोज के अंदर शेड्यूल जारी करना लाजिम। पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने पर रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौसा शेखावान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा सियालकोट के थाना सदर में दर्ज किया गया। पुलिस एहलकार NA-70 में स्कूल में ड्यूटी पर मामूर था। थप्पड़ मारने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए इंस्टा न्यूज़।